कोरोना वायरस के चलते प्रदेश भर में फिलहाल लॉकडाउन जारी है। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी निजी स्कूल से अगले 3 मई तक 3 माह की फीस नहीं लेने का आदेश जारी कर दिया। इसके बाद कई निजी स्कूल्स ने अपने स्टाफ को वेतन नहीं देने की बात कही। इसके बाद शिक्षा विभाग और निजी स्कूल्स के बीच विरोधाभास की स्थिति बन गई। इस पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अभिभावकों से अपील की और कहा कि जो भी अभिभावक फीस देने की स्थिति में है वो निजी स्कूलों को फीस का भुगतान करे। इसी के साथ शिक्षा मंत्री ने निजी स्कूलों से अपील करते हुए ये भी कहा कि जो अभिभावक फीस देने की स्थिति में नहीं है ऐसे अभिभावकों के बच्चों का नाम स्कूल से ना काटा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्राइवेट स्कूलों के लिए 3 महीने तक एक दिशा निर्देश दिए थे कि वो उन बच्चों की फीस के लिए दबाव नहीं डालें, फीस नहीं अदा करने की स्थिति में उनको किसी तरीके से पढ़ाई उनकी बाधित नहीं करें, उनकी टीसी वगैरह नहीं काटें। मैं इसमें और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसका मतलब एक ही है कि कोई भी बच्चे को फीस नहीं अदा करने की अगर स्थिति में है तो उसको उसकी पढ़ाई से वंचित नहीं किया जाए, उसका कोई नुकसान नहीं किया जाए। लेकिन इन स्कूलों को सर्वाइवल करने के लिए हमारे जो घोषणा पत्र था कांग्रेस का उसमें यह भी था कि हम छोटे स्कूलों को स्ट्रेंथ करेंगे, जो गड़बड़ करते हैं, जो सरकार के नियमों की पालना नहीं करते हैं उन स्कूलों को के खिलाफ कार्रवाई करें। तो दोनों बातें हैं, जो लोग फीस देने की स्थिति में हैं वो अपनी फीस पाली के पूर्व सांसद